ठीक है, दूसरे वीडियो पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में 15 स्टॉक्स कवर कर लिए थे तकरीबन एशियन पेंट्स तक। अब बात करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड्स की। जो इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर के सारे स्टॉक्स मैं टेक्निकल एनालिसिस में कवर करने वाला हूँ। तो ये दूसरा पार्ट है एस्ट्रल लिमिटेड की। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अपडेट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो का। नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। अस्ट्रल में अगर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा था, फॉलिंग वेज ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद 4 कंटिन्यूअसली वीकली कैंडल पॉजिटिव में बना चुका है। अभी अगर हम डेली कैंडल चार्ट में देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 220 क्रॉसओवर हो रहा है। प्राइस में ऑलरेडी उछाल आके नीचे आके फिर से एक ग्रोथ देखने के लिए मिल चुका है। डेली कैंडल चार्ट में अगर 2100 का लेवल पार कर देता है, 2110 का, तो एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हो सकता है 2220 और वहाँ पर कुछ रिट्रेस होके फिर से लाइफ टाइम हाई में जो आपको गया था 2530 वहाँ तक जा सकता है। आवरली कैंडल चार्ट में देखेंगे क्या पैटर्न बना रहा है, पूरा क्लियरली पिनट पैटर्न बना रहा है। पिनट पैटर्न या सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं इसको। यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है तो आप अगर बाय कर रहे हैं पोजिशनल कुछ दिनों के लिए, मेरा पॉजिटिव ट्रेंड में अभी फ्लैट रह सकता है 1-2 दिन, लेकिन जैसे ही ये हाई जो है इसको तोड़ेगा 2100 को, तो ये पूरा जाके 2170 तक चला जाएगा। तो अस्ट्रल मेरे तरफ से बाय है जब 2100 पार हो जाएगा। तो 15 मिनट का चार्ट देख लेंगे तो पूरा क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है, लेकिन आरएसआई बता रहा है कि प्राइस में अभी उतना उछाल देखने के लिए नहीं मिलेगा। वॉल्यूम में बहुत जोरों से तेजी देखने के लिए मिला है 15 मिनट चार्ट में। हो सकता है कल या परसों के अंदर इसमें एक रैली देखने के लिए मिले। नेक्स्ट जो स्टॉक है अतुल लिमिटेड, चलिए अतुल को देखते हैं। अतुल लिमिटेड फ्यूचर में अगर देखेंगे, वीकली चार्ट में डायरेक्ट चला जाऊंगा, वीकली में क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। ज़्यादा दिनों का यहाँ पे चार्ट नहीं है, अगर लास्ट कैंडल देखें तो अक्टूबर 25, 2021 से ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, मतलब फ्यूचर में शायद नहीं था ये। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 200 और 20 का क्रॉसओवर हो चुका है। प्राइस बार बार रिट्रेस हो रहा है, स्टॉप लॉस हम इसको मान सकते हैं डेली कैंडल चार्ट में तकरीबन 9000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको अगर डेली कैंडल चार्ट में बताऊँ 9600 के अबव आप खरीद सकते हो अगर टूटता है तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से हमने देख लिया है कि यहाँ पर हाई अगर 500 या 600 का आप ले लग सकते हो, इसको अगर तोड़ता है तो आप 700 के लिए बाय कर सकते हो वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से। लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो वीकली चार्ट नहीं ले सकते, वो तो पोजिशनल स्टॉक हो गया। यहाँ पर भी वही दिखा रहा है रेजिस्टेंस बार बार। डेली कैंडल चार्ट में भी डाउन ट्रेंड में है। मैं 15 मिनट डायरेक्ट आ जाता हूँ, आपको टारगेट एंड सपोर्ट ले देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में एक डाउन ट्रेंड बन रहा है और उसी तरह ही मैं अगर ये दोनों लो को मिला दूँ तो डाउन साइड चैनल है। तो जनरली जब ये ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है इसको तोड़ेगा लगभग, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, आप अगर 551 तोड़ता है तभी जाके आप एंट्री कर सकते हो। फिर भी इसमें ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, तो यहाँ पर हो सकता है उसको टच करके वापस आ जाए। तो इस स्टॉक में औरोबिंदो फार्मा में बाय साइड में मैं नहीं कहूँगा, आप अगर काम करना चाहेंगे तो सेल साइड में आप काम कर सकते हैं। सेल साइड में जब 538-540 को तोड़ेगा तो आप सेल के लिए चले शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो, टारगेट आप रख सकते हो 525 का, ये सेल कॉल है। फार्मा FMCG IT में थोड़ा सेलिंग चल रहा है तो इसमें सेल में आप काम कर सकते हो। देखिए हम ऑप्शंस में फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर स्टॉक और ऑप्शंस में काम करेंगे तो बाय सेल दोनों के साइड में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑरो फर्मा मेरे हिसाब से और थोड़ा नीचे गिर सकता है, इसको सेलिंग साइड में रखते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सिस बैंक का। देखिए वीडियोस आपको कैसा लग रहा है, ज़्यादातर लोग मुझे व्हाट्सअप करके बता रहे हैं। प्लीज़ आप व्हाट्सअप मुझे मत कीजिए, आप वीडियो में डालकर बताइए कैसा चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्लियरली बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
फ्यूचर चार्ट आप अगर देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही गैप डाउन गैप ओपनिंग ओपनिंग में ये ट्रेड हो रहा है, इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है मैं जितना देख पा रहा हूँ, तो इस स्टॉक को फ्यूचर के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। वीकली चार्ट में यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन रहा है और टोटल अगर अराउंड में पूरा सीरीज देखो तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा तो बहुत बड़ा तेजी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई तेजी मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है नीचे के साइड में ही ये खुलेगा, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज 200 को नीचे के क्रॉस नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे, ओ मुझे लग रहा है इसके ऑप्शंस में कोई नहीं काम कर रहा है, फ्यूचर में कोई नहीं काम कर रहा है। मैं एक्सिस बैंक का स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है, स्टॉक में काम हो रहा है, स्टॉक के हिसाब से बता दे रहा हूँ। तो ऑलरेडी एक यहाँ पे हमने टारगेट लिया था वो अचीव हो चुका है। डेली कैंडल चार्ट में अगर देखें प्राइस अपवर्ड जा रहा है और यहाँ पर आके फॉलिंग वेज टाइप का कुछ बना है। मैं इसको निकाल देता हूँ, आवरली कैंडल चार्ट में आके आपके दिखाता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे चार्ट। यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है, यही उसका नेकलाइन है। नेकलाइन थोड़ा है या नहीं मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। इसमें पॉजिटिव साइड में एंट्री कर सकते हैं क्या, यही सवाल है लोगों का, तो सर पॉजिटिव साइड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, आवरली कैंडल चार्ट में देख रहा हूँ डबल बॉटम बनाया है, इसको भी फॉलिंग वेज बना सकता हूँ मैं, कैसे, इस तरह से। फॉलिंग वेज तो नहीं है, डाउन साइड चैनल है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट थोड़ा हो सकता है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा तो प्रीवियस हाई जो बना था 1774 उसके लिए चल पड़ेगा स्टॉक। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज नीचे आ रहा था 200 मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ पाया, मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं तोड़ेगा, यहाँ से वापस जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा तेजी बन रहा है, एक्सिस बैंक में आप बाई कर सकते हो, टारगेट रख सकते हो 775 अगर 757 तोड़ता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक के बारे में, एक्सिस बैंक हो गया। अभी बी सीरीज आ गया हमारा, बजाज ऑटो लिमिटेड, ठीक है, बजाज ऑटो देखेंगे। अगर वीडियोस में कहीं दिक्कत आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्लियरली पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। बजाज ऑटो में क्लियरली देख सकते हैं एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा था और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, बहुत ही सीरियसली पॉजिटिव है वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है, वीकली चार्ट के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है। नया हाई जो 4337 उसको टच कर सकता है। स्टॉप लॉस वीकली कहाँ पे लगाएंगे, 3986 पे, ये मेजर स्टॉप लॉस है। अगर आपको याद नहीं रहा आ रहा है तो पीछे थोड़ा करके आप रिवाइंड करके देखिए, लेकिन मैं बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने वाला हूँ इसलिए जल्दी जल्दी मैं बोलते जा रहा हूँ, गौर से सुनिए, पेन पेपर पकड़ के बैठिए, जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, ठीक है। डेली कैंडल चार्ट को अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियरली एक W पैटर्न बना है, ओके, W पैटर्न बन के ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे रिट्रेस हुआ और फिर से भागा है प्राइस। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखा है, क्या प्राइस इसे इस लाइन को सीरियसली ले रहा है, ठीक है, छोड़िए। अभी अगर मैं आवरली कैंडल चार्ट को चला जाऊँ तो और ही क्लियर आ जाएगा मेरे को हो क्या रहा है। यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, इस लेवल को प्राइस तोड़ नहीं पा रहा है, 4100 के पार अगर जाता है शेयर में बहुत जोरों से उछाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप अगर ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, मैं आपको टारगेट बता दे रहा हूँ, जैसे ही 4100 तोड़ेगा आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, किस लेवल पे क्या टारगेट बनेगा आपका, सर आपका इस टारगेट पे 4250 के टारगेट में आप बाई कर सकते हो सर, बहुत ही अच्छा लेवल है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे जहाँ पर ज़्यादातर कैंडल्स रुक रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, 4055 का स्टॉप लॉस है, 4100 क्रॉस करता है तो आप एंट्री कर सकते हो, कहां तक, कौन से टारगेट तक, 4250 का, बहुत ही अच्छा मिला हमको बजाज ऑटो, ऑटो सेक्टर बहुत ही तेजी में है, एंट्री कर सकते हैं, दो पैसा कमा सकते हैं, बता दे रहा हूँ। बी सेगमेंट में पहला बी कंपनी में
अच्छा स्टॉक मिल गया हमको, बजाज ऑटो, उसके बाद बजाज फाइनेंशियल सर्विसेस, बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनेंशियल्स, बजाज फिनसर्व। फ्यूचर देखेंगे हम, डायरेक्ट वीकली में जाएंगे। बहुत जोरों से गिरा था ये स्टॉक, अगर ये आपको याद होगा तो, ना बीच में बहुत जोरों से गिरा था, पिटा था। मिल गया आपको, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट होके रिट्रेस होके फिर से वापस भाग रहा है, स्टॉक पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही तेजी देखने के लिए मिल सकता है। डेली कैंडल चार्ट, यहाँ पर भी W पैटर्न बना हुआ है, ये हाई पे बार बार आके रिट्रेस हो रहा है प्राइस, ठीक है। तो शार्प रेजिस्टेंस है कहाँ पे सर, ये वाला शार्प रेजिस्टेंस है 17,210 का, इसको अगर तोड़ता है, क्रॉसओवर हो चुका है डेली कैंडल चार्ट में, इसको अगर तोड़ता है सर आपको नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको टारगेट यहाँ ले सकते हैं 18,062, उसके बाद और कहाँ तक जा सकता है सर, हर प्रॉब्लम का उपाय है हमारे पास। अच्छा ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, और एक डाउन सीरीज लेंगे। ये सब टूल्स यूज़ करना बहुत ही आसान है जब आप कोर्स ले लेते हो तो। 19,676 जा सकता है स्टॉक, यहाँ से भागेगा बहुत जोरों से भागेगा। मैंने तीन तीन दिन आपको बता दिया है टारगेट्स। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम 1 आवर में लेंगे, ठीक है। प्राइस जैसे तोड़ेगा 17,210, डायरेक्ट 18,100 तक जा सकता है, और वहाँ पे थोड़ा रिट्रेस होगा, 18,100 तोड़ेगा तो 19,600 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे सर, सिंपल सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है 16,680, 16,660 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, कोई बात नहीं। प्राइस थोड़ा रिट्रेस होगा, उसके बाद तोड़ के जा सकता है। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज फिनसर्व, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे, रेजिस्टेंस के नीचे नहीं, बता दे रहा हूँ, जो ब्रेकआउट लेवल में बता रहा हूँ उसके ऊपर ही बाय करेंगे, ओके। मैं इसको लेके बुलिश हूँ, लेकिन ब्रेकआउट होना चाहिए। 15 मिनट चार्ट के हिसाब से भी वही दिखा रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ब्रेकआउट मिलेगा आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। बजाज फाइनेंशियल सर, बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड, ठीक है देखते हैं इसको। बजाज फाइनेंस देखिए, जो लोग स्टॉक्स भी लेके पकड़े हुए हैं उनको भी ये हेल्पफुल हो जाएगा, उनको भी टारगेट स्टॉप लॉस पता चल जाएगा, जो पोजिशनल शेयर्स लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस बना रहा हूँ, इतना एनालिसिस, अगर 2-3 स्टॉक का भी एनालिसिस कोई देता है तो वो आपको चार्ज करता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता रहा हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, बहुत मेहनत लग रहा है, सवेरे से बना बना के ये सब गला बैठ गया है। हाँ और एक बात भी है, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो रहा है या नहीं इसको भी ट्रायल करना है, तो ट्रैक में रखिए जो जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस पे वीकली कैंडल चार्ट टच करके आया है, टच करने से बाद क्या पैटर्न बना है, बेयरिश पैटर्न, बेयरिश अबैंडन बेबी बना है, उसके बाद बहुत तेजी से उछाल बना है। यहाँ पे वीकली कैंडल चार्ट तो रिजर्व दिखा रहा है, बाय सेल को सिग्नल नहीं दिखा रहा है। डेली कैंडल चार्ट में हाँ यहाँ पे कुछ नजर आया, आवरली में आऊँगा तो आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आया है। प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा था, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को आज तोड़ा है सवेरे सवेरे 30 अगस्त को, तोड़ने के बाद बहुत ही जोरों से वॉल्यूम, उसके बाद फिर से ऊपर गया है। आप अगर क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर भी एक W पैटर्न बना हुआ है, इस टारगेट तक जा सकता है, 7,600 का टारगेट लेके आप बाई कर सकते हो इसको शॉर्ट टर्म के लिए। जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, जब तक ये हाई नहीं तोड़ देता तब तक नया हाई नहीं बनाएगा। कौन सा हाई, ये वाला है 7,690, 7,700 का हाई अगर तोड़ता है तो नया हाई बनाएगा। कितना हाई बनाएगा ये भी बता दूं, चलिए बता देता हूँ सर, ये टारगेट फिगर सब याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बाद में टारगेट जब अचीव होगा मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ले गए तो अच्छी बात है।
9800 का टारगेट बनेगा यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देगा तो। 15 मिनट चार्ट के हिसाब से आप अगर खरीद रहे हो तो 9000 अभी के लिए ये टारगेट है पहला, 7550 और उसके ऊपर 7690, ये दो टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, वीकली का नहीं बता रहा हूँ, जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस 7273 मतलब 7260 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चलिए बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, अब आएंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का फ्यूचर देखेंगे, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। क्या है वीकली चार्ट, सीरियसली यहाँ पे बहुत जोर से गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। आप अगर वीकली चार्ट को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा है। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा, देखूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है या नहीं। सर ये वाला एक ब्रेकआउट मिला था लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया है। अभी जो अभी मुझे डाउन ट्रेंड ही लग रहा है और नीचे आ सकता है। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का एक पैटर्न बना है। मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड, इसको डाउन ट्रेंड सिग्नल बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने वीकली कैंडल चार्ट में ही बता दिया था डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे 200 को 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करने वाला है। सेल साइड में काम करेंगे, सेलिंग के लिए अच्छा स्टॉक मिल गया, पुट खरीदना चाहते हैं तो इस स्टॉक आप पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2104 का 2105 लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। टारगेट कहाँ तक रखेंगे, टारगेट रिसेंट लो ये वाला, सीरियसली 1892 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1892 मतलब 1900 सपोज ले लीजिए, मतलब 150 रुपये का टारगेट और स्टॉप लॉस है आपका 50 रुपये का। आराम से पुट खरीद के बैठिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके, छोटा सा लॉस दुगना प्रॉफिट हो गया। 15 मिनट चार्ट देखेंगे, चलिए देख लेते हैं, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट और भी छोटा हो सकता है। क्लियर है, प्राइस डाउन साइड जा रहा है, फिर से राइजिंग वेज बन रहा है, राइजिंग वेज इज ए बेयरिश पैटर्न। सिंपल सी चीज है, कब सेल करना है, जैसे ही ये लो तोड़ेगा तब तक वेट नहीं करना है, यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, हल्का सा ऊपर 2670 के ऊपर, 2680 के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो और डाउन ट्रेंड के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बालकृष्ण इंडस्ट्री। इसके बाद देखेंगे बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी इसमें भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में है या नहीं अभी मुझे पता नहीं है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। पहले था, ओ माय गॉड, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। क्या हुआ है यहाँ पे, सीधा डाउन ट्रेंड मैंने खींच लिया। सेलिंग के साइड में काम करेंगे, मेजर स्टॉप सपोर्ट में है, डेली कैंडल चार्ट में हमको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। सर नहीं 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 नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। कब सेल करेंगे, जैसे ये पैटर्न तोड़ेगा, जैसे ही 325 का जो लेवल है उसको तोड़ेगा, सेल साइड में काम करेंगे, अभी बाय सेल कुछ नहीं बता सकते। 15 मिनट चार्ट में भी फ्लैट बता रहा है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये है और ये आपका ये है सर, इसके अंदर ट्रेड होगा। कॉल पुट बेचना चाहते हैं तो दोनों बेच के प्रीमियम खा सकते हैं, कुछ दिनों तक प्राइस इसी के बीच में रहेगा। मैं ज़्यादा कहूँगा कि कॉल बेच दीजिए, कॉल बेच के इंट्राडे में पैसा कमाइए, निकलिए, कोई भी पोजीशन ओवरनाइट मत लीजिए। ये सारे स्टॉक्स अपर सर्किट लोअर सर्किट देने में बहुत माहिर है, हो सकता है आपके लेने के देने बढ़ जाए। अभी ये हो गया बलरामपुर चीनी, बी का अल्फाबेट चल रहा है हमारा। बलरामपुर चीनी के बाद आ गया बंधन बैंक लिमिटेड। बंधन बैंक, बैंक्स में बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है, देख लेते हैं बंधन बैंक को भी। फ्यूचर्स हम देखेंगे, पहले वीकली हम पोजिशनल ट्रेड देखेंगे, क्योंकि मैं फिर से इस स्टॉक्स में आते आते लगभग 15 दिन लग जाएगा, क्योंकि 129 स्टॉक हैं, सबको कवर करना है मेरे को। ठीक है,
ये चैलेंज मैंने आपके लिए लिया है, मैं आशा करता हूँ आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मिल गया सेमेट्रिक ट्रायंगल बंधन बैंक में, इसके अंदर ट्रेड हो रहा है। वीकली कैंडल चार्ट के अंदर अगर देखें तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डाउन ट्रेंड मुझे लग रहा है। ठीक है, डेली कैंडल चार्ट में आएंगे, 200 मूविंग एवरेज के नीचे 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर राइजिंग वेज बन रहा है, बहुत ही शानदार राइजिंग वेज, एक बेरिश पैटर्न है। प्राइस अगर तोड़ता है आपका 270 हो सकता है, नीचे और भी जोरों से गिर सके। मार्केट का सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, लेकिन मेजर सपोर्ट है 260 का। ठीक है, डेली कैंडल चार्ट में 260 का मैं एक सपोर्ट ले लेता हूँ आपके लिए। कोई भी चार्ट आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको चार्ट शेयर कर लूँगा मेरा। ये नीचे की तरफ से टारगेट्स हैं, मैं बाय साइड में नहीं कहूँगा, सेल साइड में ही हम काम करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। जो इन्वेस्टर्स हैं जो होल्ड करके रखे हुए हैं उनके लिए अलग है, कोई बात नहीं, उनके लिए बाद में बात कर लेंगे, उनका फंडामेंटल्स फोकस होना चाहिए। नहीं सर, मुझे ये तो बेरिश लग रहा है, जैसे ही तोड़ेगा 270 नीचे की तरफ 260 एंड 230 तक गिर सकता है स्टॉक। ठीक है, तो बंधन बैंक को आगे नहीं देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में भी ये बेरिश है, यहाँ पर भी एक राइजिंग वेज बन रहा है। सीरियसली ये स्टॉक बहुत ज़ोरों से गिर सकता है, अगर 270 का जो सपोर्ट है इसको तोड़ दे तो बहुत ज़ोरों से गिर सकता है। ठीक है, अगर आप बाय के बारे में इसके स्टॉक में सोच रहे हैं तो अभी के लिए बाय नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव है और राइजिंग वेज बन रहा है, बार बार बता रहा हूँ, राइजिंग वेज एक बेरिश पैटर्न है। ठीक है, बंधन बैंक कवर हो गया, अभी चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक समय में मेरा फेवरेट शेयर हुआ करता था, 2017-18 में बहुत ट्रेड किया है इसमें मैंने। ठीक है, बीएससी फ्यूचर आ गया। ये बीएससी का क्यों दिखा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा NSE, ओके। अभी वीकली पैटर्न चार्ट देखेंगे, आप समझ पा रहे हैं क्यों मैं वीकली देख रहा हूँ बार बार, वीकली देखने से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। राइजिंग वेज, राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है, जितने भी टारगेट्स दिए थे सब अचीव हो चुका है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ से वापस आ सकता है। डेली कैंडल वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट दिया तो प्राइस ऊपर जाएगा आराम से आपका 158। ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो आपका 158 लेके चलिए, और उसी तरह वापस आया तो मैंने ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, नीचे की तरफ 117 उसके बाद 108 नीचे के साइड में। डेली कैंडल चार्ट में देखिए ये क्या पैटर्न बना रहा है, डेली कैंडल चार्ट में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ चुका है। अगर रिट्रेस होता है प्राइस 127 तक रिट्रेस हो सकता है, यहाँ पर डेली कैंडल आवरली कैंडल चार्ट में बुलिश ट्रेंड बना रहा है, तो मैंने ऊपर की तरफ जो टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट के लिए आप बाय करके रख सकते हो। नेक्स्ट अगर 15 मिनट कैंडल के चार्ट के बारे में देखें तो यहाँ पर भी बाय दिखा रहा है, तो मैं आपको तुरंत ही नज़दीकी एक रेजिस्टेंस दे रहा हूँ जहाँ पर आप टारगेट ले सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो मेजर 131 है, 134, 140 का आप टारगेट लेके चलिए। ठीक है, 140 वीकली और डेली कैंडल चार्ट में बेरिश है और 15 मिनट आवरली कैंडल चार्ट में बुलिश है, तो अभी हो सकता है फिलहाल एक दो दिन के लिए पॉजिटिव जा सके, अगर जाएगा तो ट्रेंड लग जाएगा, नहीं वापस आ गया तो 118 तक या फिर 108 तक गिर सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। 15 मिनट चार्ट में आप अगर देखोगे RSI 70 के ऊपर है, मैं थोड़ा RSI को भी सेट कर देता हूँ। ओके, RSI भी बाइंग ऑप्शन दिखा रहा है, कोई बात नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। अब चलेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड के लिए, बाटा इंडिया लिमिटेड शूज में बहुत तेजी देखने के लिए मिला था लास्ट ईयर, अभी भी बरकरार है तेजी, देखेंगे वीकली कैंडल चार्ट में। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ पा रहे हैं तो और कुछ नहीं चाहिए, ट्रेडिंग में यही सबसे ज्यादा काम करता है सर, रेजिस्टेंस तोड़ा है।
हाई बनाया था, फिर रिट्रेस होके वापस जा रहा है सर, बुल ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसमें वीकली चार्ट में आपको मैं बता दे रहा हूँ ये लगभग 2100 तक जा सकता है, 2100 तक जा सकता है। डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट में थोड़ा बेयरिश लग रहा है यहाँ पे। जब तक ये हाई नहीं तोड़ता, 1990 नहीं तोड़ता, तब तक इसमें एंट्री नहीं करें डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से। आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से क्या देखेंगे सर, अगर यहाँ से प्राइस वापस आ गया ना, फिर से नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो मैं इसमें बाय रेकमेंड करूँगा, जब 1990 को क्रॉस करेगा उससे पहले बाय नहीं करना है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट में भी लगभग बहुत तेजी देखने के लिए मिल चुका है, रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर भी 1977 और 290 का। फिलहाल के लिए स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, इसको हाथ मत लगाइए। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है 190, उसके बाद इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, बाय करोगे सब स्टॉक वहाँ पर। अगर 190 में बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे, फिलहाल के लिए 1940 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हो 1990 के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाटा इंडिया भी कवर हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, वीकली कैंडल चार्ट में जाएंगे बेल देखेंगे बेल। अरे बॉस बहुत बाकी है, अभी 100 पूरे नहीं हुए, लगभग 190 हैं, हम अभी 20 नंबर पे हैं, लगभग 3-4 दिन लगेंगे मुझे कवर करने के लिए सारे। ओके, बेल में एक खूबसूरत सी तेजी, पता नहीं लोगों के आंखों के सामने ये स्टॉक कभी आया है नहीं, ये ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 21 जून से, तब से ये किसी को देख ही नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, ओवरबॉट जोन में है। वीकली कैंडल चार्ट में यहाँ पे एक पैटर्न बना सकता है, पोजिशनल बाई के लिए अवॉइड करें। डेली कैंडल चार्ट में भी ओवरबॉट जोन में है और ट्रेंड पूरा मतलब किसी को देख ही नहीं रहा, वापस बहुत तेजी से जा रहा है सर। ऐसे ट्रैप्स में आप फंस सकते हो, ऐसे तेजी नहीं मिलते हैं। ये सपोर्ट लाइन है रिसेंट, अगर आप बाई साइड में हो 298 अगर तोड़ता है तो निकल जाइए बॉस, 298 याद रखिए, 298 अगर तोड़ता है तो निकल जाइए, बहुत लेने के देने हो सकते हैं। उसी तरह अभी भी एक आप 1 आवर तो नहीं देखेंगे, 15 मिनट चले आते हैं, 15 मिनट में अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न बाय करने के लिए बना हुआ है। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी अगर बाय करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है 15 मिनट में, तो मैं बाय रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, सेल रिकमेंड करूँगा। जैसे ही तोड़ता है 305 तोड़ेगा तो डायरेक्ट आप टारगेट के लिए 295-98 का टारगेट लेके बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो बेल में बाय साइड में मत जाइए, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले। अगर बाय साइड में जाना चाहते हैं 312 के ऊपर आप बाय साइड में जा सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करिए, बाय साइड में बहुत तेजी देखने के लिए मिल चुका है, आने वाले समय में गिर सकता है प्राइस। बेल खत्म हो गया, बेल कहाँ गया, बेल फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बाटा इंडिया, बर्गर, बेल हो गया, बर्गर पेंट, बर्जर पेंट को देखेंगे। बर्जर पेंट फ्यूचर वीकली कैंडल चार्ट बहुत ही अच्छा शेयर है, मैंने बहुत लोगों के लिए ये खरीद के रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट में। फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, ब्रेकआउट होके रेजिस्ट होके वापस आ रहा है सर। वीकली कैंडल चार्ट में एक बाइंग सिग्नल मिला है, ये जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं बुलिश प्राइसिंग लाइन, प्रेसिंग लाइन एक हाई रिलायबल, 2 कैंडल्स में ही आपको पता चलता है। इसमें बाय एंट्री कर सकते हैं, कहां पर बाय एंट्री करें, बाय एंट्री 685 के ऊपर तेजी पकड़ लेगा, ये 685 के ऊपर तेजी पकड़ लेगा। अब के लिए क्या करें, अब के लिए डेली कैंडल चार्ट देखते हैं। डेली कैंडल चार्ट में भी बाइंग के लिए रेडी हो गया है, 200 मूविंग एवरेज वही 285 दिखा रहा है। ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ दिया रॉकेट हो जाएगा शेयर बॉस, बर्जर पेंट रॉकेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखे तो क्या पैटर्न बना रहा है, सिंपल कॉप बना रहा है, यहाँ पे हैंडल बनाएगा और तोड़ेगा। कितना टारगेट ले सकते हैं, टारगेट सर फिलहाल के लिए आप 745 तक टारगेट ले सकते हैं, दूसरा टारगेट 790 का टारगेट ले सकते हैं सर। बाई है,
दो तीन दिन के लिए चौपी रह सकता है, लेकिन कॉल साइड में आप एंट्री कर सकते हो। बर्जर पेंट्स अमेजिंग शेयर, फंडामेंटल अमेजिंग है, हाई पी में मिलेगा, हाई पी में हमेशा रहता है। वॉल्यूम देखिए नीचे, वॉल्यूम बार भी बहुत अच्छा बना है। बाय के लिए अच्छा शेयर मिल गया आपको डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से। 15 मिनट चार्ट देखेंगे, 15 मिनट चार्ट में 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चुका है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से कहाँ से बाय कर सकते हैं? चौपी देखने के लिए मिल सकता है मार्केट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। जैसे ही 675 तोड़े, मैंने तो 685 पोजिशनल बताया है, 675 के ऊपर अगर जाता है तो पकड़ लीजिए, झपट लीजिए 685, और उसके ऊपर जो जो टारगेट मैंने बताया है वो टारगेट अचीव करेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस अगर अभी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 670 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 5 रुपये नीचे। कॉल पुट में काम कर रहे हैं तो कॉल बाई कर सकते हैं पोजिशनल में। अगर सेम डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पुट सेल कीजिए, अच्छा पैसा मिल सकता है। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कल के लिए पुट सेल कर सकते हो, कल मार्केट ऑफ है शायद, तो परसों के लिए। चलिए, आपका 15 फ्यूचर स्टॉक मैंने कवर कर लिया, कल मैंने 15 किया था और आज 15 कर लिया, तो लगभग आपका 30 फ्यूचर स्टॉक कंप्लीट हो गए। हमको कवर करना है कितना? हमको कवर करना है सर 194, ठीक है, कोई बात नहीं, 3-4 दिन लगेंगे, सारे फ्यूचर स्टॉक मैं कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड।